नमस्कार, अपना पंजे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। रीवा जिला के नईगढ़ी जनपद पंचायत के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम संपन्न भा, जिमा सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा दिया जलाए के पूजा अर्चना करे के बाद शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम शुरू भा। नईगढ़ी से नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी टीम के साथ शपथ लीन हमा। जनपद पंचायत नईगढ़ी के शपथ समारोह में भाजपा भी ज्यादा और कांग्रेस ही कम रहे। यह शपथ ग्रहण में 1000 से अधिक लोगन के पहुंचे की अनुमान रहा, पर 400 से ज्यादा जने नहीं पहुंचे। आइए अपना पंचन का सुनाए थे विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का कहिन। चुनाव में हम जब लड़े, हमारे सामने भी लोग लड़े, जीते हम, और हमको ना वोट देने वाले कितने लोग हैं जरा हिसाब लगा। कई बार तो होता है कि 1000 वोट पड़ा, हम 100 वोट पाके जीते, 900 हमारे खिलाफ। और सरपंच लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र की बात का यही है कि गोदी से भी निकलता होगा तो जीत वही माना जाए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस पद को पाने के बाद हमारे जिन्हें हमको वोट नहीं किया उनको हम हमारी तरफ से जो सेवा का अवसर हो सकता है उनके सामने प्रस्तुत करें और उनको भी अपना बनाने का प्रयास करें। मैं आपको केवल यही कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर इस नई गरीब के भीतर पूरी ताकत लगाकर विकास की ऊंचाइयों को ले जाने का काम करें। अभी हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, बाढ़ सागर नहर का पानी हर हालत में नहीं गरीब हमको लाना है। इसीलिए अभी मैं दिल्ली जाने के पहले अधिकारियों की बैठक बुलाकर उनको डेड लाइन कर दी है, 30 नवंबर को बाढ़ सागर का सोन का पानी हमारे नई गरीब आना चाहिए, चाहे जैसा लेकर ले जाए उसको लाना है। ये क्या ना उसको भारत के संविधानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्णता रखूंगी। मैं ममता कुंज बिहारी तिवारी अध्यक्ष का पद ग्रहण कर रही हूँ। इस पद के लिए विहित मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1999 और इसके अंतर्गत बने नियमों निहित उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सच्चाई और ईमानदारी से निर्वाहन करूंगी। रीवा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश की अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत, पर्याप्त बरसात न होए के चलत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सगले अधिकारियों से मांग करी हमा के किसानन का कम से कम 15 दिना का 24 घंटा लाइट दें, जैसे किसान आपन धान के रोपा लगा सका। गांव में लाइट की आउप जाप बंद करा और जरा ट्रांसफार्मर बदला। आप देख रहे हैं लगातार हमारे रीवा जिले में अवर्षा की स्थिति बनी हुई है, हमारे किसान लगातार परेशान हैं। धान की नर्सरी तैयार हो गई है, धान के की नर्सरी और धान अगर बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो फिर वो कैसे रोपी जाएंगी खेत में। लगातार इतनी ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा तापमान है कि आप सोच सकते हैं, जो खेतों में किसान ट्यूबवेल के माध्यम से पानी भी भर रहे हैं लेकिन पूरी अभी ज़मीन में ठंडक नहीं आई है, पूरी ज़मीन पूरी भूमि में पानी डालते हैं वो पानी भी गर्म हो जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने ज़िले के जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी के सभी उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं, देखिए आज अवर्षा की स्थिति में आप सभी किसानों की मदद करिए। रीवा ज़िले में प्रत्येक वितरण केंद्रों से जानकारी ले लीजिए, कितने गांव के ट्रांसफार्मर अभी भी जले हैं, किसानों से शर्तें रख दी जाती है, एक भी किसान का अगर बिल बाकी है तो वहां पे हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे, अगर 50 किसानों का कनेक्शन है और उनमें से एक का बिल बाकी है तो हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे, ये कहाँ का न्याय है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ग्रामीण अंचलों में पूरे जिले में 24 घंटे बिजली दी जाए। रीवा जिले के त्योथर डिवीजन में आबे वाले कटरा विद्युत वितरण केंद्र के सुरहवा गांव के किसान जगत देव सिंह परिहार, राजबहोर पटेल, राम नरेश पटेल, अभिनेश पटेल बताइन के कटरा और लाल गांव के प्रभार में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता संजय गुप्ता ट्रांसफार्मर बदले की 10,000 की रिश्वत मांगत हमा। ऐसने में उपभोक्ता सहायक यंत्री गणेश आकोडिया, डिविजनल इंजीनियर और कनिष्ठ अभियंता संजय गुप्ता
अध्यक्षता का हटावे के मांग कई के सगले मामला के जांच और कार्यवाही के मांग करी हमा। समस्या यह है कि आज 20 दिन से हो गया ट्रांसफार्मर में लाइट आता है लेकिन घर की ओर कोई प्रकार की लाइट नहीं जाती है, आती भी है तो थोड़ा ऐसे धीम जुगुरू जलती रहती है और ट्रांसफार्मर से तेल गिर रहा है। यहाँ पे हम लोग कितने बार वहाँ पे एप्लीकेशन भी डाला है लेकिन कोई सुन नहीं रहे, आज से कॉल करते हैं, यहाँ पे भारी समस्या बनी हुई है रातों दिन। क्या कहते हैं वो? कहते कहाँ बोलते हैं कि मैं कल आऊँगा परसों आऊँगा, बोला परसों बात किया तो बोले कि कर्मचारी ख़त्म हो गया है इसलिए नहीं आ पाया, अब बोले कल आऊँगा, कल से आज दिन हो गया। अब फ़ोन जिस फ़ोन से हम बात करता था जैसे वो जी फोन नंबर बंद करके ब्लैक लिस्ट में डाल के रखे हैं। यह ट्रांसफार्मर सो हवा के 15-20 दिन से ख़राब है, लाइन मैन का बटन तो आए तो दिखें ताकिन तो कहें कि यह यहाँ से अर्था नहीं जाता है। अब साहब से बात करब एक अपन मामा नहीं तो दूसर लगवाई है, अब उनके मैं फोन करें तो कहीं के उतर उठर से बनबे वाले आवे कहीं नहीं, तो आज आवा था कल ही आवा था, ऐसे ऐसे 15 दिन हो गया को देखे सुनने वाला नहीं। अब लाइन मैन वो फोन नहीं उठावा कहीं के अब हम बता देने वो हम का करें। जिला में पंचायती राज व्यवस्था के कई जगह मजाक बनाई के महिला प्रतिनिधि के जगह में उनके पति का शपथ दिलावे के मामला सौहे आवा हब। एक बात कार्यवाही है, सिरमौर जनपद पंचायत के दुईठे सरपंच ग्राम पंचायत डोल के सरपंच खुशबू और बदराव गौतमन के सरपंच आशुतोष गौतम के संस्कृत में शपथ ले के चर्चा हो रही है। संस्कृत भाषा में शपथ ले के पीछे का उद्देश्य रहा, जब उनसे चर्चा कीन गए तो उनका कहना ये अपना पंचन का सुनाई थे। कृषि क्षेत्रम उत्पादने वृद्धम प्रयुक्त्यात् मम पंचायतस्य प्रत्येकम निर्धनस् कृते याचनानुसारं रोजगारं भवतु। नूतन प्रविधीनां जना लाभं स्वीकुर्य येन उत्पादकतायां वृद्धः भवतु तथा पंचायत क्षेत्रं आत्मनिर्भरं स्वावलंबी च भवतु। अहं स्वस्थ कार्यकाले स्वस्थ ग्रामस्य दशाम परिवर्तनाय प्रयासरतम भविष्यामि। अहम् एतत् अपि संकल्पम् स्वीकरोमि यत् अहम् जाति धर्म संप्रदाय नाम्नः भेदभावम् न करिष्यामि जेतु भारतम्। हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 30-40 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छी संस्कृत बोलते हैं, आपस में भी बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, कई सारे सभागारों में उनके सीधे लेक्चर होते हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे ग्राम पंचायत में हमारे बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो लगभग 40-50 की संख्या में हैं, बहुत तेज़ी से संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है, हम चाहेंगे कि हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में इसको हम 50 के जगह में 200 करें और आसपास के कई गांवों में हम ये प्रयास करेंगे कि इसी तरह से संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, वहाँ भी बहुत सारे लोग इस तरह से निकलें, यही हमारा उद्देश्य। संस्कृत में के माध्यम से मानव जीवन का क्या महत्व है, थोड़ा सा इस विषय में बताइए। हम बताना चाहेंगे कि संस्कृत में मानव जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में जितने भी संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में सब संस्कृत से होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कार्य हम सब हिंदू धर्म में करते हैं सब संस्कृत से करते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत से ही हम आने वाले समय में भी अपने पंचायत में भी, चूंकि कंप्यूटर भी संस्कृत भाषा का बहुत तेज़ी से संग्रहण अपनी ओर करता है, इसलिए हम चाहेंगे एक संस्कृत का हम आने वाले टाइम में लैब यहां स्थापित करें, बहुत सारे हमारे लोग संस्कृत से और जुड़े। रीवा में छात्र अग्निपथ योजना का लेके खून से पत्र लिखी हमा। NSUI कार्यकर्ता कहीं के भाजपा सरकार जवान सैनिकन के अपमान कर रही है। NSUI राष्ट्रपति के ज्ञापन सौंप के अनुरोध करीन हमा के यह योजना का तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। हाल ही में केंद्र सरकार तो लगातार आम जनता पर जिस प्रकार शोषण कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर हो हर जगह अत्याचार कर रही है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दी जिससे आज हम स्वतंत्रता से रह रहे हैं,
आज उन्हीं को अपमानित कर रही है। अभी हाल ही में अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च किया है, उसका मतलब है कि 4 साल के लिए सैनिक में भर्ती लोग होंगे। हमारे यहाँ सैनिकों की जो भर्ती होती है, जो सैनिक में जाता है, उसका मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है, एक देश सेवा होती है। उसके अंदर एक शहीद जो हमारे देश के हुए हैं, उनके शौर्य वीर पराक्रम को देखकर उनके अंदर एक जज्बा आता है कि हम देश के लिए अपना कुछ करेंगे। उन सब को सोचकर लोग देश की सेवा में जाता है। हमारे अंचल में जब कोई शहीद होता है तो पूरा अंचल कहीं ना कहीं दुखमय हो जाता है, लेकिन सरकार ने इसको एक योजना का नाम दे दिया है गया है। दूसरी बात है कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद वो क्या करेंगे, रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन की सुविधा नहीं, कैंटीन की सुविधा नहीं, और अगर कोई घटना होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये क्या सिस्टम बना रही है, कहीं ना कहीं सरकार हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को भी अपमानित कर रही है। आज हम इसके विरोध में अपने खून के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार साहब को, और मैं ये आश्वासन चाहता भी हूँ कि अगर सरकार इस पर कुछ निर्णय लेती है तो ठीक है, अन्यथा देश का युवा सड़कों पर उतर जाएगा। ये ज्ञापन श्री अतुल दुबे जी द्वारा, जो हमारे भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है अग्निवीर योजना, तो उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। विरोध के बिंदु कुछ ऐसे हैं कि 4 साल बाद रिटायरमेंट, रोजगार के साधन योजना का नाम देना, पेंशन कैंटीन का लाभ नहीं, जाति प्रमाण पत्र मांगना, शहीद का दर्जा ना देना, ऐसी कुछ समस्याएँ हैं। इन समस्याओं के संबंध में वरिष्ठों को अवगत करा के अब जो भी किसके नाम से ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन ये राष्ट्रपति महोदय के नाम से है। जी जी, शासन की योजना है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है तो महामहिम राष्ट्रपति इन चीज़ों के विषय में निराकरण कर सकते हैं, तो ऊपर तक भेजा जाएगा। और इसके आपने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन अब वरिष्ठों के को भेजा जाएगा, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया जाएगा, जो निराकरण होगा, तो हम सब आपको अवगत करा देंगे। ठीक, अब बात करी थे रीवा के, जहां एक थे गर्भवती महिला अपने पति के मजदूरी ले गई रही था। आरोपी मंगल साकेत और उनकर पत्नी बच्चा सब जने मिल के रीना साकेत का मारी हमा। महिला डिहिया नरसिंहपुर थाना गोविंदगढ़ के रह वाली आई। गोविंदगढ़ थाना से कोनो कार्यवाही नहीं भयता, रीवा में महिला थाना प्रभारी का आवेदन दें तो 10,000 रुपया मांगती है, कहीं पैसा दे तब कार्यवाही हुई। आई अपना का सुनाई थे पीड़ित महिला का कहीं। किस बात के लिए पैसे मांगी? किस बात? मेरा मतलब मैं घूम रही हूँ जी साहब, मैं घूम रही हूँ गली गली, 10 रोज मैं यहाँ आई, मेरे कोई कार्यवाही नहीं की। 10 दिन से हमारे बेटे के साथ 76 करे सब चीज हुआ, ये मैडम कुछ नहीं सुनी। यहाँ के यहाँ पास रुपया ले लेती है, हमको बोलती है कि तुम ऐसी करवाती हो, बच्चा होवाती हो, ये कर, उनको नहीं डांटे। आज मेरे घर में कुर्की करवा दी मैडम। कितना पैसा मांगती है? मांगे हैं 10,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए लिए। तो दिए हैं आप? हाँ। कितने दिए हैं? हमारे आपने पैसा कितने दिया है? हमारे पास टीआई साहब ने लिए 3,000 रुपए लिए हमसे मैडम। अब हो गया, 10 सयान हमें काहे की शिकायत लेकर आई थी आप? अरे हमारा आदमी मारता है, हमारा पूरे घर भरे की जेठानी सब आप उनको नहीं समझा, हम हमें को मारते बोलते हैं चलो धर्मात कुर्की हमारे करवा दी, नागी लगवा दी ना, बताई लड़की बच्चा को देखा दूसरा हम बतार करी। हाँ, इनको समझाना चाहिए ना, जब पैसा लाए हैं तब नहीं बोलती है। अच्छा है, एक करवाने के लिए वो है। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बनी रही विराट के साथ, नमस्कार।